सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादियों ने सूची बनाई है, अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। चुनाव से पहले डर गए अखिलेश। टीपू की नजर में बीजेपी की आईटी सेल है ईरावत। कहीं ना कहीं केंद्र बना हुआ जिसके माध्यम से समय समय पर झूठ फैलाया जाता है। अब ईवीएम के बाद डीएम भी टारगेट। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। उत्तर प्रदेश में इख्तदार के फाइनल मैच में बेहद कम वक्त बाकी है, लेकिन हुकूमत की चाहत दिल में लिए बैठे अखिलेश यादव अभी से काफी बेचैन नजर आने लगे हैं। नतीजा ये है कि अब अखिलेश यादव कारकुनाल में जोश भरने के बजाय उन्हें डराने लगे हैं। अखिलेश ने विश्वकर्मा जयंती पर कहा कि इंटरनेट मीडिया में बीजेपी के ई रावण बैठे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग काफी सीधे होते हैं। अब तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चला रही है। कहीं ना कहीं केंद्र बना हुआ जिसके माध्यम से समय समय पर झूठ फैलाया जाता है। अखिलेश यही नहीं रुके और फिर एक के बाद एक उनका डर सामने आता गया। उन्होंने बिहार इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा कि डीएम और ईवीएम की बेईमानी से बीजेपी इंतखाब जीती। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है, क्योंकि भविष्य का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है। और सवाल यह है कि जो इन्होंने जनता को वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। ये कोई पहली बार नहीं है जब अपोजिशन के लीडरान हार का ठीकड़ा ईवीएम और इंतजामिया पर न फोड़े, लेकिन हैरत तब होती है जब चुनाव से पहले ही ईवीएम को निशाना बनाया जाने लगता है। अब इसे ईवीएम की किस्मत ही कहेंगे कि अगर जीत गए तो ईवीएम कबूल है और अगर हार गए तो इल्जाम ईवीएम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।